देखा, आगे हमने इस पार्ट में देखा कि पत्र कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि पत्र कौन किसको लिख रहा है। तो ये पत्र अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक को लिख रहे हैं। तो आइए बच्चों हम ये पत्र पढ़ते हैं। सम्मान्य महोदय, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। सम्मान्य महोदय मतलब हमने आगे आपको पत्र में दिखाया था कि कैसे रिस्पेक्ट से संबोधन करते हैं। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। एक दुनिया का नियम है, कोई लोग अच्छे और सच्चे सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं। ये बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे ये बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है, हर एक बुरे इंसान के पास भी अच्छा दिल होता है, हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है, हर एक सेल्फिश पर्सन के पास भी नेता के पास भी अच्छा लीडर बनने की क्षमता योग्यता एबिलिटी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना होती है, कोई दुश्मन जो होता है उसमें भी एक दोस्त बनने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। ये बात सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ। आप उसे सिखाएंगे कि मेहनत से कमाया गया एक रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। जब हम मेहनत करते हैं और जब हमें मेहनत करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं उसमें हमें ज्यादा खुशी मिलती है, न कि सड़क पर से पैसे मिलने में हमें इतनी खुशी नहीं मिलती है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में न लाए, हमें कभी किसी दूसरों से जलसी नहीं होनी चाहिए। साथ यह भी खुलकर हंसते हुए शालीनता बरतना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए शालीनता बरतना, शालीनता मतलब विनम्रता, नोबिलिटी होना भी जरूरी है। मुझे आशा है कि आप उसे बताएंगे कि कभी हमें दूसरों को धमकाना, किसी को दूसरों को प्रेशराइज या डराना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताब पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। पढ़ना भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ हमारे नेचर में, हमारे कुदरत में क्या हो रहा है वो भी सीखना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बातें सब सीखनी होगी। नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। हमें कभी भी परीक्षा में कॉपी करके पास नहीं होना चाहिए। हमसे जितनी मेहनत हो सके वो मेहनत करके हमें परीक्षा में पास होना चाहिए। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनूर उसमें होना चाहिए। भले दूसरे हमें गलत साबित करे, पर अगर हमारी बात सही है तो हमें उस पर कायम होना चाहिए। ये खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ हमें सॉफ्ट से पेश आना चाहिए, और जो लोग बुरे हैं तो हमें उनके साथ थोड़ी सख्ताई के साथ पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे उन्हीं दिनों में सीखना चाहिए। सभी लोग हमें सीख देते हैं, पर उसमें से कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है वो हमें सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है। अगर हम कभी कभी दुखी हैं तो उस दुख में हमें कैसे खुश रहना चाहिए वो हमें सीखना चाहिए। और उसे ये भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल न करे। जब हमें कभी मन उदास होता है, हमें रोना आता है, तो हमें दिल खोलकर रो लेना चाहिए। रोने से क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पे। पहले हमें स्वयं पर, खुद पर विश्वास करना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं, तभी तो वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा।
इससे ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। मैं समझता हूँ ये बातें बहुत बड़ी हैं और थोड़ी लंबी भी है, पर आप इसमें से जितना भी उसे समझा पाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन। तो ये पत्र बच्चों अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनके अध्यापक को लिख रहे हैं। तो इस पाठ में अब्राहम लिंकन अध्यापक को अपने बेटे को किन किन बातों को सिखाने के लिए कह रहे हैं। लोग अच्छे बुरे होते हैं, सच्चे झूठे भी, मेहनत करने की आदत और लोगों को हमेशा गलत न समझने की विनम्रता से हम्बल रहने के लिए समझने के लिए आदतें सिखाने के बारे में कह रहे हैं, और नेचर से पर्यावरण से लगाव रखने, नाकाम होने के बाद नकल करके सफल होने से नाकाम होना बेहतर है, हमेशा सच कहने की लोगों की अच्छी बातें अपनाने की और अपने भाव को व्यक्त करने की, जैसे रोना आए तो गलत नहीं, और हमेशा विश्वास के साथ अच्छा इंसान बनने की सीख देने को कहते हैं। इस पाठ में एक पिता अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षक से निवेदन कर रहे हैं। तो बच्चों हमें भी इन अच्छी बातों को सीख लेना चाहिए।